सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे उत्तराखंड प्रवासी अंतर्राज्य यात्रा पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे आपको करना है। बहुत से जो प्रवासी भाई हैं उनको मालूम नहीं है कि उनके लिए जो पास है, जो घर वापसी का जो पास है वो कैसे बनेगा, यानी कि वो अगर गवर्नमेंट जो बसें भेज रही हैं उन बसों में आने के लिए या जो ट्रेन जो गवर्नमेंट भेजेगी उसमें आने के लिए यात्रा पास के लिए कैसे आवेदन करना है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और लोकल पास यानी कि आप एक जो इस जैसे देहरादून ज़िले में हैं तो घर से बाहर निकलने के लिए पास कैसे आपको बनाना है, इस बारे में दोनों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे आपके लिए दे रखा है, इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे आपको पास बनाना है। तो आप इसमें सबसे पहले तो आप नीचे आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल यात्रा पास के लिए अलग लिंक है और प्रवासी यात्रा पास के लिए अलग लिंक दिया हुआ है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड का नंबर आपको डालना होगा और आधार कार्ड की फ़ोटो और मूल पता का प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड आपका चलेगा, मोबाइल नंबर और जहाँ फंसे हैं वहाँ का आपको एड्रेस डालना होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें पंजीकरण करना है और दूसरे राज्य जो हैं उनके लिए जो लोग फंसे हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, ये हेल्पलाइन नंबर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको पंजीकरण कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके जाना है, ये आप देख सकते हैं smartcitydehradun.uk.gov.in ये वेबसाइट है। इस पर आपको यहाँ देख सकते हैं प्रवासी यात्रा पास और प्रवासी पंजीकरण उत्तराखंड से अन्य राज्य जाने के लिए। अगर आप उत्तराखंड के हैं और कहीं और राज्य में फंसे हैं तो ये लिंक है, और अगर आप उत्तराखंड से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो ये अलग लिंक है। तो दोनों का मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रवासी यात्रा पंजीकरण के लिए ये पास है, यानी कि जो प्रवासी हैं हमारे जो उत्तराखंड के भाई हैं अगर वो अपने राज्य में आना चाहते हैं, उत्तराखंड में आना चाहते हैं तो ये फॉर्म भरेंगे, ये आप देख सकते हैं प्रवासी यात्रा पंजीकरण। और अगर आप उत्तराखंड में किसी और राज्य के हैं, उत्तराखंड में फंसे हुए हैं तो प्रवासी पंजीकरण पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं प्रवासी यात्रा पंजीकरण उत्तराखंड से अन्य राज्य जाने के लिए ये फॉर्म है। तो आपको ये फॉर्म भरना होगा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या जानकारी इसमें मांगी जाती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ अपना एड्रेस डालना होगा, रजिस्ट्रेशन बाय आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपने खुद ये फॉर्म भरा है या लोकल कॉन्टैक्ट से आपने ये फॉर्म भरवाया है। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, स्टूडेंट हैं या टूरिस्ट हैं या वर्कर हैं या प्रोफेशनल हैं या अदर हैं, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आधार नंबर आपको यहाँ डालना है, उसके बाद यहाँ आपको कन्फर्मेशन पे क्लिक कर देना है कि जो मेरा नंबर है ये वेरीफाई पर्पज़ के लिए यूज किया जाए। उसके बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन पे भी जो डिक्लेरेशन है कि मेरे पे कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं कोरोना के और या फिर मेरे पे कोरोना के सिम्टम हैं, ये आप दोनों में से कोई एक आपने सिलेक्ट करना है। एज अपनी सिलेक्ट यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, उसके बाद जो लोकल आईडी या पहचान पत्र जो भी आपके पास है उसका नंबर आप डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आप आरोग्य सेतु का स्टेटस जो है आप वो आपको, क्योंकि आरोग्य सेतु कंपलसरी है किसी भी स्टेट में पास बनवाने के लिए, तो यहाँ ग्रीन और अदर कलर पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको लोकल कॉन्टैक्ट जो आपका है या जो लोकल जिस जगह पे आप रह रहे हैं प्रेजेंट में उसका एड्रेस आपको डालना है और जिस राज्य में आप जाना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ नीचे डालना होगा। इस तरह से दोस्तों आप ये फिर यहाँ ये सारी चीज़ें डाल देंगे और जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ लोकल जो पर्सन है उसका नंबर और मोबाइल नंबर आपने यहाँ डालना है। उसके बाद आपने ये सारे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और ये सबमिट करते ही आपका जो है पंजीकरण हो जाएगा प्रवासी पास के लिए उत्तराखंड से अन्य राज्य जाने के लिए। इसी तरह दोस्तों उत्तराखंड में अगर आप आना चाहते हैं, प्रवासी पंजीकरण आप कराना चाहते हैं तो ये प्रवासी पंजीकरण यात्रा पास है, इसमें भी सारी चीज़ें सेम हैं, बस इसमें आप अभी जिस जिले में हैं, जिस राज्य में हैं वहाँ का आपको भरना होगा और उत्तराखंड में जहाँ आना चाहते हैं वहाँ का आपको भरना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यात्रा पंजीकरण कर सकते हैं ई पास के लिए, जो गवर्नमेंट जो गाड़ियाँ चला रही हैं उनके लिए, और इस तरह से आप उत्तराखंड में पंजीकरण करेंगे। और ये इस वेबसाइट के माध्यम से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, इसमें समय समय पर आपको अपडेट भी मिलते रहेंगे। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण, और इसमें आपको वेबसाइट का लिंक और कैसे आपको अप्लाई करना है पूरी जानकारी आपको दे रखी है। तो दोस्तों इस तरह से आप उत्तराखंड प्रवासी अंतर्राज्य यात्रा पास
आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया है, इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरेंगे और आपका यात्रा पास बन जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इस तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।